हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हमारे पास एक प्रेस्टीज कंपनी का PIC 10.0 मॉडल नंबर का इंडक्शन रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है, जिसमें प्रॉब्लम ये कि इसमें हीटिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हम सीरीज में लगा के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये मैं सीरीज में लगा, यहाँ पे स्टैंड बाय लिख के आ गया, यहाँ से ऑन किया तो यहाँ पे सीरीज लैम्प ग्लो तो होगा। ये देखो, तो सीरीज लैम्प ग्लो हो रहा है। यहाँ से हम इसको डायरेक्ट करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट किया, यहाँ से ऑन किया, तो यहाँ से ये डायरेक्ट किया। यहाँ पे देखो, इस तरह से हो जा रहा है, E0 आ जा रहा है। से उठा लिया, यहाँ पे रख दिया। तो इस तरह से इसमें प्रॉब्लम बन रहा है, तो यहाँ पे इसको किस तरह से रिपेयर करना है वो हम देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले यहाँ से इसी सप्लाई को हटा देते हैं। यहाँ पे हमने इसको खोल के देखा भी, इसमें काफ़ी कुछ बदल दिया, फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। इसलिए हमने सोचा कि आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम बने तो उसके लिए वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या क्या रिपेयर किया, और सबसे पहले इस तरह से प्रॉब्लम आए तो इसमें क्या रिपेयर करना है वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले E0 का प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आपको ये रजिस्टर, ये प्रीसेट टेस्ट करना है। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं। तो ये प्रीसेट यहाँ पे हमारा लगा होता है 502, यानी कि 5K का प्रीसेट लगा होता है। तो यहाँ पे हमने प्रीसेट को भी टेस्ट कर लिया है, और यहाँ पे ये कैपेसिटर दोनों को भी टेस्ट कर लिया है। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी टेस्टिंग कर लिया है हमने, फिर भी यही प्रॉब्लम हमारा बन रहा है। यहाँ पे ये जो PCB आता है हमारा कंट्रोलिंग वाला, वो भी हमने चेंज किया हुआ है। यहाँ पे देखो, ये हमने दूसरा PCB से निकाल के इसको लगाया हुआ है, फिर भी यही प्रॉब्लम बन रहा है। माइक्रो कंट्रोलर भी देख लिया चेंज करके, फिर भी यही प्रॉब्लम बन रहा है। ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ भी बने तो किस तरह से रिपेयर करना है वो आपको बताते हैं। उससे पहले, वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नई नई जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती है रहेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ भी बने, ताकि सब कुछ चेंज कर दिया फिर भी यही प्रॉब्लम बने तो इसको किस तरह से रिपेयर करना है। ऐसा प्रॉब्लम आपको एक्सपीरियंस है तो आप ऐसा प्रॉब्लम रिपेयर कर सकते हो। इसमें कुछ नहीं है, छोटा सा ही प्रॉब्लम बना हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको दिखे प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे हमने तो फाइंड भी कर लिया था, मगर फिर भी आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम ना बने उसके लिए हमने वीडियो बनाने के लिए सोचा। तो यहाँ पे ये एक मिनट, यहाँ से ये केबल को निकाल लिया हमने ये, और यहाँ पे हम दूसरा वाला केबल ले लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास फिलहाल पुराना वाला केबल पड़ा है, वो हम यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, और यहाँ पे हम टेस्टिंग करने के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पे इसको लगा दिया फैन को, यहाँ पे हमारा दूसरा सेंसर लगता है उसका जैक है, उसका टेस्टिंग के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम, यहाँ पे ये पैनल को भी लगा लिया। अब यहाँ पे AC सप्लाई देते हैं। सबसे पहले ऐसा कोई भी आप रिपेयरिंग करो तो सबसे पहले इसको सीरीज में ही टेस्टिंग करना है। यहाँ पे स्टैंड बाय, ये ऑन हो गया, E0 आया, यहाँ पे सप्लाई आ रहा है। अब यहाँ से हम डायरेक्ट में देते हैं, और यहाँ से इसको ऑन किया तो ये देखो, यहाँ पे हीटिंग भी होना शुरू हो गया होगा, और यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा हीटिंग होना भी शुरू हो गया, ये देखो। तो ऐसा छोटा छोटा प्रॉब्लम भी बन सकता है, आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए हमने वीडियो बनाया है, ताकि आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम बने तो आप भी इस तरह से रिपेयर कर सको। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नई नई जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा हो कॉमेंट करके बताना, और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।